साथियों, आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कॉन्ट्रैक्शंस सीखकर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जब आप बोलेंगे तो फ्लुएंसी आपकी बहुत ही अच्छी मेंटेन हो जाएगी। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्शंस बोलना सही है या गलत है। देखिए, आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्शंस इनफॉर्मल होते हैं, कहने का मतलब सीरियस ऑफिशियल लेटर्स में हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग कर रहे हैं आजकल, और आप जब इसे सीखेंगे तो अंग्रेजी को समझना खास तौर से ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स को आसान हो जाएगा, बिकॉज दे यूज कॉन्ट्रैक्शंस अलॉट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का भी होता है और वर्ब प्लस नॉट का भी होता है। कॉन्ट्रैक्शंस में आप दो वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। आई होप यू गेटिंग इट। जैसे कि गोइंग टू को आपने गोना बोला, तो इसे कॉन्ट्रैक्शंस कम रिडक्शन ज्यादा बोला जाता है। गोना, वाना, जने, वाचा, गोटा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब वो रिडक्शंस हो गए। हालांकि उन्हें भी हम कॉन्ट्रैक्शंस की श्रेणी में रखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा हो गया वर्ब प्लस नॉट। अभी सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आप लोगों को इस लायक बना दूंगा कि आप खुद से भी रिसर्च करके इसे सीख सकते हैं और बखूबी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि आई और हैव, इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं आईब। ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, गॉट इट ना। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से मिलेगा। वहां आप बिल्कुल बेसिक से सीख पाएंगे। अगर आप 21 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 21 डे लॉकडाउन स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के नाम से प्लेलिस्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगा। वर्ड प्लस नॉट क्या होता है? जैसे कि हैव प्लस नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बोलेंगे? हैवंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगला क्या है? वर्ब प्लस नॉट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करते हैं और इसे ही हम सीख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस सब्जेक्ट, सबसे पहले मैं आई के साथ जितने भी वर्ब यूज होते हैं स्पोकन में भी उसका हम जिक्र करेंगे, फिर वी, यू, ही, शी, इट, दे, देयर, गॉट इट ना। आई, आई के साथ आप एम का यूज करते हैं, आप इसे बोलेंगे आम, आम, आई एम और आम। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आम, आम हैप्पी, आम, आम हैप्पी, गॉट इट ना। आई हैव, आईव, आईव, आईव अ मार्कर, आईव अ मार्कर, आईव अ मार्कर। फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपके मन में डाउट होंगे, ये बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल होता है, खासतौर से नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूज अलॉट। आई होप यू गेटिंग दिस। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आईव, इसे हम क्या बोलेंगे? फिर से देख लीजिए, छोटे छोटे हो सकते हैं वर्ड्स लेटर्स, बट प्लीज फोकस हियर, मैं कमेंट्री भी कर रहा हूं। आईव, लाइक आईव डन, आईव डन, देख लीजिए, आईव डन, यानी कि मैंने कर लिया है, आईव डन। आई हैव, आईव, क्या बोलेंगे? आईव। अगले क्या है? आई हैड और आई वुड, देखिए दोनों के अंत में हैड है, आईड, आईड लाइक टू टेल यू, आई हैड अ पेन, तो आई द पेन, आई द पेन, आई द पेन, तो आई वुड अ पेन तो हम बोलेंगे नहीं, चूंकि वुड के बाद एक एक्शन वर्ब का आना जरूरी होता है। आईड गो, मैं जाता था। तो देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाबू, जैसे कि हम बोले आईड, आईड गो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई वुड गो, ये पास्ट के हैबिट की बात करते हैं। आईड गो, आईड गो, यानी कि, और जिसे हम बोलेंगे आईड अ पेन, तो जाहिर सी बात है आईड अ पेन हैड होगा, उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो आईड अ पेन, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई हैड अ पेन। तो मुझे उम्मीद है कि आप आईड में कंफ्यूज नहीं होंगे बाबू, ये पूरा आपका डाउट क्लियर कर देगा, नॉट देगा, देगा। आईड यानी कि आई हैड और आई वुड, आई शैल और विल, आईल, क्या बोलेंगे? आईल गो, मैं जाऊंगा, आईल गो मीन्स आई विल गो। हालांकि शैल ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से होता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या होता है? विल। तो हम क्या बोलेंगे? आईल, आईल गो, क्या बोलेंगे हम? आईल गो, क्या बोलेंगे हम? आईल
गो. आई होप यू गेटिंग दिस माई डियर फ्रेंड. तो शैल ज्यादातर बात होती नहीं है, जिक्र नहीं होता है शैल मॉडर्न इंग्लिश में. तो आइल, जैसे कि आइल बी हैप्पी, देख लीजिए, आइल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, मीन्स आई विल बी हैप्पी. तो ये आई के साथ जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स थे ये हम यूज करते हैं. अब हम बात करेंगे वी के साथ, जैसे कि वी आर, वी आर, वी आर. ये पास्ट में जो वी वर होता है ना दोस्त, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ वी आर. देखिए यहां आई हैड और वुड दोनों हो गया, बट ये वी आर सिर्फ प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता है. वी हैव वीब, वीब डन, वीब डन. फोकस कीजिएगा और सुनिएगा, वीब डन, वीब डन, वीब डन. We are happy. We are happy. We are happy. सुनिएगा, we are happy. We are happy. We had or we would. यहां भी I had, I would. बहुत ही आसान है इसको समझना, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे. तो ये देखिए, we had, we would. तो we, we'd, we'd. बोलिए मेरे साथ, we'd, 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 we'd play. Means we would play. We'd प्ले का मतलब क्या हो गया, वी वुड प्ले. वीड पेंस, हम लोगों के पास कलमे थी, देखिए वीड पेंस, यानी कि वी हैड पेंस, हम लोगों के पास कलमे थी. वी शैल, विल, तो विल, शैल की तो हम जिक्र ही अब नहीं करते हैं, तो विल, विल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे. विल गो देयर, 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 विल गो देयर. Alright, अब हम बात करेंगे यू की. तो यू आर, यूअर, यूअर, योर, योर, यूअर, यूअर, योर, योर होता है ना, उसे काफी सिमिलर होता है, ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है. यू हैव, यू, 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 यू've डन, यू've डन, यू've डन. जैसे यू हैव डन, यू've डन, यू've डन, यू've डन. जब आप ये सुनेंगे ना, आपसे गुजारिश की आप ज्यादा से ज्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को भी सुनने की कोशिश करें, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, सहूलियत होगी उन्हें सुनने में. ऑलराइट, यू हैड और यू वुड, यूड, 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 यूड मींस यू हैड, यू वुड, यू वुड गो, आप जाते थे, यूड गो, यूड गो, यूड गो, आप जाते थे, यूड गो. और यूड पेन मींस यू हैड अ पेन. यू वुड, यू हैड और वुड दोनों के लिए होता है बाबू. You will, you will, you will be happy, you will be happy, you will go, you will go. Getting this? Next is he. He is and he has. Dono ke liye hota he is, he is. Za, za sound hoga. Za nahi, za, za. He is, he is. He is bhi, he has bhi. Dono ke liye hum kya bolenge? Jaise ki dekh lijiye. Aap confuse mat hoiye. He is happy. Iska matlab kya ho gaya? He is happy. Or He is done. इसका मतलब क्या हो गया? He has done. उसने कर लिया है. अब आप बोलेंगे कि सर ये बहुत confusing है. है, लेकिन spoken English में इसका use होता है और ये पहले से ही है, तो ऐसा sense आप लगाएंगे तो use हो जाएगा ना. He is happy. He is happy. वह खुश है. He is done. He is done. He has done. He has done. He has done. I hope you're getting this, friends. The next we'll talk about means we will. We'll talk about means we will. He had or he would, he'd, he'd. दिख रहा है आपको, he had or he would. दोनों के लिए आप क्या बोलेंगे? He'd. क्या बोलेंगे? He'd. क्या बोलेंगे? He'd, he'd. He had, he'll, he'll, he'll go, he'll go, he'll go. एक आप समझेंगे ना दोस्त, तो पूरी चीज आपको ये, आई मीन वन बाय वन आप समझ जाएंगे इसको. बस समझने की और बार बार रिपीट करके बोलिए मेरे साथ. शी इज, शी, शा, शा, शी इज और शी हैज, शी इज, शी इज, ही इज की तरह ये, शी इज, शी इज, शी इज. बोलिए मेरे साथ, शी इज, शी हैड और शी वुड, शीड. ऑलराइट, तो यहां शीड होगा, क्या होगा ये? शीड, शी हैड और शी वुड, शी हैड और शी वुड. She'll, 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 यानी कि she will, she'll go with me, she'll come to learn English, she'll come to learn English, she'll come to learn English. Good, fantastic. It is and it has, it's नहीं बोलेंगे, it's, sup, 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 sup. It's done, जैसे कि it's a pen, यानी कि it is a pen.
it's done means it has done. It's done. It's done. It's done. It's done. It's a pen. Yani it is a pen. It's done. Yani it has done. It has done. It is ke liye bhi hai or it has ke liye bhi hai. I hope you're getting this. It had or it would. It will. Bolie mere saath. It'll. Good. They are. Acha, they were ke liye hum ye nahi bolenge. Dhyan rakhiyega. Aisa kyun? Kyunki nahi hai. I'm sorry. It's not my fault. They've done means they have done. All right, they had or they would. Date. All right, date. All right, they will. All right. The next is there has been problem, there has been problem, there is, and there has. All right, there will, there are. So friends, you have just seen the contractions of subject plus verb of to be and to have. We'll talk something else also. But right now, this is done. Now we'll talk about the negative contractions. All right, stay tuned. All right, अब हम बात करेंगे negative contractions की. ये जो negative contractions हैं, ये कैसे function करते हैं? How to use them into spoken English? एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक sentence में सिर्फ एक ही contraction होगा. जैसे कि मेरा मन कर रहा है, I'm done. Something like that हम करते नहीं होगा. आप या तो इसको बोलिए I've done, मैंने कर लिया है, got it ना, or I haven't done. Have not को आप haven't बोलते हैं. इस इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा. एक साथ कई सारे contractions का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे. एक sentence यानी एक full stop, that is also called period, तक आप एक ही contraction का इस्तेमाल करेंगे. देखिए आपने I am, आम देखा, ये देखिए is plus not, isn't, क्या बोलेंगे, isn't. Example देखिए, she isn't happy, वह खुश नहीं है. Alright, he isn't happy, वह खुश नहीं है, isn't. Are not, aren't, क्या बोलेंगे, aren't. Some people also call it aren't, but this is aren't. Am not, इसे हम बोलेंगे aren't. इसके लिए amn't नहीं होता है. Question comment में मत लिखिएगा. ऐसा क्यों, चुकी ये ऐसे बोला जाता है. ऑलराइट ना, चुकी इसके अंत में भी not 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 और सब के देखिए aren't aren't amn't amn't हम नहीं बोलते. गॉट इट ना, इसे हम क्या बोलते, aren't aren't isn't. और has not को क्या बोलते, hasn't. She hasn't gone, वह नहीं गई है, she hasn't gone. और have not को क्या बोलते हैं, haven't. क्या बोलते हैं, haven't. क्या बोलते हैं, haven't. और इन सब को, had को नहीं, सिर्फ इन सब को एक साथ अमेरिकन इंग्लिश में ain't भी बोला जाता है. जैसे आप न्यूज़पेपर में कभी कभी देखते होंगे वर्ल्ड सिटी, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी. आप देखते होंगे ain't, she ain't happy, डिकोड कीजिए इसे, she ain't happy, तो इसका मतलब क्या हो गया, she isn't happy. और जाइए, she is not happy, or she ain't done it, she ain't, she ain't money. तो she is money तो हो नहीं सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, she hasn't money. क्या हो जाएगा, she hasn't money, or she has no money. Ain't का मतलब has not, have not भी, is not, are not, am not भी होता है. Had not को क्या बोलेंगे, hadn't. क्या बोलेंगे, hadn't. She hadn't money. Alright, और she'd का मतलब she had. ध्यान रखिएगा, repeat कीजिएगा. Telegram channel Mike Reed Doctor पे मैं ये सारे contracted forms आपको दे दूंगा, वहां से आप pick कर लीजिएगा और बोल बोल कर practice कीजिएगा. Shall not, shan't. Shall not, shan't, and some people call it also shan't.
shan't, sent नहीं, shan't, sha, shan't, will not, won't, क्या बोलेंगे हम, won't, she won't be happy, वह खुश नहीं रहेगी, was not को क्या हम बोलेंगे, wasn't, क्या बोलेंगे हम, wasn't, क्या बोलेंगे हम, wasn't, were not, ये है were, क्या है ये, were not को क्या बोलेंगे हम, weren't, I hope you're getting this now. आप इसे सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं वैसे हम इसे यूज करेंगे. Do not, don't. हालांकि do not और don't में रिटन इंग्लिश में फर्क होता है. जैसे मैंने आपसे बोला do not laugh versus don't laugh. इसका मतलब होता है परमानेंटली मैं चाहता हूं कि आप ना हंसे. Do not का मतलब परमानेंटली और don't का मतलब टेम्परेरी. Like, do not come here, मतलब मैं चाहता हूं आप यहां कभी ना आए, permanently, और don't come here का मतलब temporary, कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं, तो ये एक फर्क होता है, आपने government offices के बाहर देखा होगा, do not spit here, उसे don't मत कीजिएगा, do not का मतलब permanent, तो do not का हालांकि क्या बोलते हैं, don't, does not का doesn't, ये सब तो आपने बहुत famous है, देखा भी होगा translations की book में. Did not को didn't or didn't भी some people call it. Cannot, can't or some people call it can't. Especially Britishers. Couldn't, 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 couldn't. Mightn't, mightn't, mightn't. Mustn't, 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 mustn't. Mustn't नहीं बोलते, mustn't. Alright, would not, wouldn't, wouldn't, wouldn't. It won't happen. यह नहीं होगा. It won't happen. यह नहीं होगा. So friends, today in this class, I have taught you the contractions used in spoken English and somehow people use it in formal writing also. You might have seen in normal writing people use, but if you write something seriously, means serious official writing there, please do not use these contractions. Write there proper. I hope you get it. Thank you very much. I hope कि आप इसे practice कर लेंगे. Telegram channel My Kitty Doctor पे आपको ये link दिया जा रहा है. वहाँ पे ये सारे doubts आपको दे दिए जाएंगे. आप वहाँ से pick करके बना लीजिएगा. My Kitty Doctor की class जारी रहेगी. आपको सिर्फ पढ़ना है, हमें पढ़ाना है. हमारे दूसरे channel शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत को भी देख लीजिएगा. Subscribe जरूर कीजिएगा. फिलहाल हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका समय शुभ हो. Stay happy and be the best. जय हिंद, जय भारत. और हाँ, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी तरफ से. आप ये सोच कर कि सर ने पढ़ा दिया, मेरा काम हो गया, रियली वेरी सॉरी सुनकर देखकर, अब भागवत कथा की तरह मत सुनिएगा. खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ढूंढिएगा और जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये तो बेसिक है ना आपका बाबू, और जो ज्यादा लाइक हु इज, हुज. आई होप यू गेटिंग दिस. व्हाट्स, 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 वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज मींस वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इन्हें भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा गूगल से, आपको मिलेगा जरूर. और अगर आपका ध्यान सीखना और ढूंढना है तो मिलेगा भी और सीखेंगे भी. जय हिंद, जय भारत.